सर बिल्कुल बिल्कुल, आज चलिए शुरू करें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आज के चौथे और अंतिम सत्र में हमारे बीच डॉक्टर अभिनव उपाध्याय, जो कि फिलहाल हिंदुस्तान में हैं, एज ए पत्रकार वहाँ कार्यरत हैं। सर का व्याख्यान शुरू करने से पहले एक औपचारिक संक्षिप्त परिचय, और उसके बाद सर के विषय, और उसके बाद सर से हम लोग व्याख्यान सुनेंगे। अभिनव उपाध्याय विगत 10 वर्षों से अधिक समय से मुख्य धारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। सर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और वहां से स्नातक राजनीतिक विज्ञान में परास्नातक पत्रकारिता की पढ़ाई सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और इसके साथ साथ सर जो है दिल्ली की में कथा देश, आज समय, दैनिक जागरण के बाद हिंदुस्तान अखबार में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा के अलावा साहित्य, संगीत, फिल्म, कला के क्षेत्र में निरंतर रिपोर्टिंग सर करते रहे हैं, और जगह जगहों पर जाकर इसके ऊपर सर व्याख्यान भी देते रहे हैं और छात्रों को प्रोत्साहित भी करते रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। सर ने दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों पर श्रृंखला, दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों पर श्रृंखला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और दिल्ली के संबंध में श्रृंखला का आयोजन किया है और इसके ऊपर प्रस्तुति दी है। देश के संगीत, कला, थिएटर जगत के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की कवरेज के अलावा थिएटर ओलंपिक 2018 के चयन समिति के सदस्य के रूप में सर ने कार्य किया है। थिएटर ओलंपिक 2018 के चयन समिति के सदस्य के तौर पर कार्य करने के अलावा संस्कृति मंत्रालय द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त किया है सर ने। भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने का काम किया है सर ने, और इस क्षेत्र में लगातार कार्यरत करते हुए सर को 2018 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा पत्रकारिता के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सर इसके लिए आपको। साहित्य, संगीत, कला और जगत के क्षेत्र में कई नामी जानी हस्तियों के साक्षात्कार और उनसे पाठकों को रूबरू कराने का काम सर लगातार और निरंतर करते रहे हैं। सर ने शिक्षा के जगत क्षेत्र के अंदर कई शिक्षा को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा संस्थानों की रिपोर्टिंग और उसके स्तर को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सर इस संक्षिप्त परिचय के साथ आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से इस कार्यशाला में आपके व्याख्यान के लिए सर आपका स्वागत है। सर आज हमारे बीच जिस विषय पर सर बोलने जा रहे हैं वो विषय है भूमंडलीकरण और सिनेमा के बदलते परिदेश, साहित्य और सिनेमा के बदलते संबंध। सर ओवर टू यू सर, सर आप आपका मंच है सर। थैंक यू विकास, मेरे बारे में ज्यादा बता दिया, इतना मैं हूं नहीं एक्चुअली। और आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर आपकी आवाज आ रही है सर, ये आपकी बिल्कुल मृदाशी सर। और मेरे लिए ये एक ऐसा अवसर है कि हम जर्नलिस्ट हमेशा टू वे दो तरफा संवाद करते हैं जी, लेकिन जी। यहाँ मैं कमरे में अकेले बोलूंगा और बहुत सारे लोग सुन, मेरे लिए थोड़ा सा अटपटा वाली चीज है। एनीवे मैं डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी जो ARSD कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। बाकी आपके कॉलेज के बहुत सारे लोग, विकास आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने घर का एक छोटा सा कोना खोजा है कि मैं आप लोगों से इस तरह से रूबरू हो सकूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं हूं, मैं जिसके लिए 45 मिनट की एक समय सीमा है, उसमें वो अपनी बात रख सके, क्रमवार रख सके। मेरे लिए संदर्भ मायने रखते हैं और मैं संदर्भों के साथ अपनी बात रखूंगा। जब मैं साहित्य और सिनेमा की बात करता हूं तो मैं जर्नलिज्म की भी बात करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता इससे बिल्कुल अलग नहीं है। जो मैं लोगों से बात किया, जो मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। जब भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो भूमंडलीकरण एक बहुत बड़ा दायरा है इसका। 91 के बाद आज 30 साल होने जा रहे हैं, तो 30 साल में भूमंडलीकरण ने केवल सिनेमा और साहित्य को ही नहीं बदला, हमको आपको भी बदल दिया है। जैसे जैसे भूमंडलीकरण आगे बढ़ता गया, हम लोग भी आगे बढ़ते गए। हम यूं कहे कि अपनी सोच, अपने खान पान, अपने परिवेश, अपने
कपड़े हर चीज पे हम भूमंडलीकरण का प्रभाव देखते हैं, तो सिनेमा और साहित्य इससे अलग बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि 91 के बाद जब उदारीकरण का दौर तेजी से आया, तो ये उदारीकरण, अगर हम केवल उदारीकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक बात कही जाती है कि आर्थिक उदारीकरण की बात सबसे ज्यादा कही जाती है। लेकिन अर्थ जीवन का वो पक्ष है जो आपके सभी पक्षों को प्रभावित करता है, आपके व्यवहार को, आपके लेखन को, आपकी पढ़ाई को, आपके परिवेश को, आपके रहन सहन को। भूमंडलीकरण ने आर्थिक बदलाव के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात थी, उससे सिनेमा और साहित्य सबको बहुत करीब से प्रभावित किया। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो साहित्य पे इसका प्रभाव बहुत पड़ा। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, एक सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। समय समय पर मैंने कुछ लोगों को सुना, कुछ वक्ताओं को सुना, उन्होंने दोनों पहलुओं पे बात की, उन्होंने इसकी चर्चा की। मैं भी दोनों विषयों पे चर्चा करूंगा कि इसके सकारात्मक पहलू भी क्या है और नकारात्मक पहलू भी क्या है। अगर आप देखें तो जब बाजार खुला तो सिनेमा का दायरा भी बढ़ा, और वो दायरा इस तरह से बढ़ा कि जब हमने देश की सीमाएं तोड़ी तो सिनेमा को भी देश से बाहर ले जाना था। जो हमारे एनआरआईज थे, जो हमारे देश से बाहर के लोग रहने वाले थे, वो अपनी संस्कृतियों से, अपनी जड़ों से तो जुड़े हुए थे, लेकिन अपने सिनेमा से नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि सिनेमा में उनकी बात नहीं थी, सिनेमा में उनके इमोशंस नहीं थे, सिनेमा में उनकी वो बात नहीं थी जो वो जैसे अगर कोई कनाडा रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, इंग्लैंड रह रहा है, तो आता था, अपने देश आता था, मिलजुल के फिर चला जाता, लेकिन सिनेमा में वो उसे नहीं पाता। इस चीज को बाजार ने समझा। बहुत सारी चीजें जो हम आप नहीं समझ पाते हैं, बाजार पहले समझ जाता है, और फिर हमें पता नहीं चलता कि दरअसल हम ही क्रेता भी हैं, हम ही विक्रेता भी हैं, दोनों भूमिकाओं में एक व्यक्ति आ जाता है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पहली फिल्म, ऐसा कही जाती है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद वो पहली फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें एक नायक अपनी नायिका के लिए बाहर से इंडिया आता है, और वो इस उस वैल्यूज के साथ आता है कि मैं तुमको भगा के नहीं ले जाऊंगा, तुमको साथ तुम्हारे पिता का हाथ मांग के ले जाऊंगा। तो जो बाजार के साथ वैल्यू जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की भी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आजकल विज्ञापनों में वैल्यूज जुड़ते जा रहे हैं, दिवाली के विज्ञापन हो, प्रोडक्ट के दिवाली से जोड़ के विज्ञापन हो जाएंगे, होली से हो जाएंगे, सामाजिक सद्भाव जुड़ जाएंगे, मकसद होता है प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन जब ये वैल्यूज जुड़ जाते हैं तो उस पर एक ऑथेंटिसिटी, एक मुहर लग जाती है लोगों के इमोशनल सपोर्ट की। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है इस ये दायरा बाहर, मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण सिनेमा का भी दायरा बाहर बढ़ा। लेकिन बार बार जब बात की जाती है सिनेमा की, तो साहित्य की भी बात आती है। बहुत सारे लोगों ने, शायद अगर मैं देखूं तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में पिछले 30 सालों में जो जिन साहित्यिक कृतियों पे सिनेमा बना है, वो बहुत जरूरी नहीं कि वो उसी तरह, जिस तरह किताब पॉपुलर हुई हो, कहानी पॉपुलर हुई हो, उपन्यास पॉपुलर हुआ, उस तरह से वो फिल्म भी पॉपुलर हुई। लेकिन जो सिनेमा बनाने वाला है वो उस लेखक की कृति को से वो जिस्ट निकालता है और वो अपने कंज्यूमर को देता है, तो उसमें वो ये चीज ध्यान नहीं रखता है कि उस किताब का मूल क्या है। वो इसका ध्यान देता है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे उसको अपनाएगा। मैं कई फिल्मों की बात कर आपसे 2-3 फिल्मों के संदर्भ में बात करूंगा जो मैंने हाल में देखी हैं और आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन शायद आप उस नजरिए से न देखे होंगे। मैं सबसे पहले आपको काशीनाथ सिंह की एक बहुत फेमस किताब है
काशी का 80, उसपे एक फिल्म बनी है मोहल्ला 80। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर, बिल्कुल। चूंकि मैं विकास, मैंने बताया कि मेरा इस तरह का पहला अनुभव है कि कमरे में मैं केवल बोल रहा हूं, मुझे ये रिस्पांस नहीं मिलता है कि मेरी बात अब तक जा रही है या नहीं जा रही। नहीं बिल्कुल, काशीनाथ सिंह की 80 घाट और मोहल्ला 80 बिल्कुल सुनाई दे रही है सर। थैंक यू, सॉरी मैं। काशीनाथ की फिल्म आई थी, काशीनाथ सिंह जी की किताब आई थी मोहल्ला 80। मैं उन दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था, वो आए हुए थे और हमें उनसे मिलना था, हम मिलना चाहते थे क्योंकि उनकी किताब के बारे में हमने सोच रखा था, पढ़ रखा था। हम ये जानना चाहते थे कि क्योंकि जो किताब का कंटेंट है वो बड़ा भदेश कंटेंट है, भदेश माने कि जो जहाँ की भाषा है, जैसा परिवेश है, जैसी गाली है, जैसा एक शहर का चरित्र है, वो सब चीज उस किताब में है। तो युवा उस किताब को बड़े चाव से पढ़ते थे। मैं उनसे पूछा कि आप एक बीएचयू के बहुत अच्छे, आप एक प्रोफेसर हैं, आपने इतनी सारी गालियों से भरी एक किताब लिखी और ये किताब में मैं समझ नहीं पाया कि कहना क्या चाहती। आधे घंटे का इंटरव्यू था, मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उनसे बातचीत के बाद जब मैंने किताब पढ़ी और उसके बाद जब हाल के वर्षों में मैंने उस पर बनी फिल्म देखी, तो मैंने उन नजरियों में अंतर पाया। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह ने कहा कि अभिनव, ये मैं बदलते भारत की, ग्लोबलाइजेशन के बाद बदलते बनारस की, बदलते संबंधों की, बदलते शहर की और बदलते गांव की बात इसके माध्यम से मैंने कही है। मैं ये महसूस कर रहा था कि हमारा बनारस कैसे बदल रहा है, बोलचाल की भाषा कैसे बदल रही है, रिश्तों के ताने बाने कैसे बदल रहे हैं। जो आज हमारे लिए मूल्य हैं, वो हमारे मूल्य कैसे क्षरित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जिन चीजों को आज हम नकार रहे हैं, उनको एक समय के बाद हम कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर कल्चर है वो हम एक समाज की अलग प्रतिस्पर्धा में लाके खड़ा कर दे रहा है। कि अगर हमारे पास बढ़िया घड़ी नहीं है, अगर मेरे पास बढ़िया गाड़ी नहीं है, अगर मेरे पास बढ़िया मोबाइल नहीं है, तो मैं इस समाज में कहीं मुख्य धारा में नहीं हूं। और प्रोडक्ट के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है, जो इस दौड़ में नहीं है वो इस दौड़ से बाहर चला जाता है। 30 साल बाद कोरोना ने हमें ये दिखाया। जब आप लोगों को याद होगा कि जब कोरोना दिल्ली में अपने पांव पसार रहा था, देश में पसार रहा था, तो अचानक मजदूरों का यहां से पलायन शुरू हो गया, क्योंकि वो मजदूर सुविधा भोगी नहीं थे, उन मजदूर के पास संसाधन नहीं था और मजदूर वो रेस में नहीं थे, इसलिए वो गाड़ी से नहीं पैदल निकल गए। लेकिन उनके मन में भी ये बात थी कि अगर आज हमारे पास साधन है, सुविधा होती, तो शायद हम पैदल न जाते। वो हर व्यक्ति के पास है कि एक जरूरत जो उनको महसूस होती है, वो ग्लोबलाइजेशन ने उस जरूरत को और बढ़ा दिया है, लोगों की भूख को बढ़ा दिया है, और हमारे गांव शहर बनते जा रहे हैं। और पॉपुलर कल्चर, जिस पे प्रोफेसर पचौरी जी ने बहुत बेहतरीन पिछले सत्रों में बोला है, मैं उनको सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। खैर, मैं फिर उस काशीनाथ सिंह की उस कृति पे और उसके बाद उस सिनेमा पे आता हूँ। उस सिनेमा को बनाने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मैं लम्हे में एक उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने इसके बारे में लिखी है। क्योंकि फिल्मकारों के समक्ष एक संकट है, वो संकट ये है कि किसी साहित्यिक कृति को वो चुन तो लेते हैं, लेकिन जब वो पर्दे पर आता है
तो जो राइटर है वो नहीं समझ पाता कि जो मैंने लिखा था ये इसको ऐसे किस तरह से लाए हैं। तो अधिकांश फिल्मों में अधिकांश लेखकों के साथ ये दिक्कत आई है कि वो बाद में अपने डायरेक्टर से ये शिकायत करते हैं कि जी मैं ये चाहता, ये मैंने लिखा था, ये मैं प्रेजेंट करना चाहता था, आपने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया है। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जब मोहल्ला 80 बनाई तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैंने उसको देखा और महसूस किया कि वो साहित्यिक कृति को हूबहू तो नहीं, क्योंकि एक किताब आप 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सिनेमा की बाध्यता है कि उसको आप 2 घंटे में ही डायरेक्टर सोचता है कि हम उसको बनाएं और हमारा जो दर्शक है उसको आसानी से समझ के और वो मनोरंजन के लिए दरअसल देखता है तो वो उसको देख सके। एक दिलचस्प, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं मैं अपने अनुभव के आधार पर। ग्लोबलाइजेशन का जैसे जैसे विस्तार होता गया, मनोरंजन के साधनों के लिए जो निर्धारित समय थे वो कम होते गए। अब 3 घंटे की फिल्में नहीं बनती। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं कि अब आपको फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल भी नहीं जाना है, मल्टीप्लेक्स भी नहीं जाना है, क्योंकि वो फिल्म अब आपके पॉकेट में है। अब आपको विंडो पे जाके टिकट नहीं लेना है, अब आपको 250-300 या कुछ रुपए का रिचार्ज कराना है और अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स डाउनलोड करने के बाद उसको आप बांट भी सकते हैं, उसको 2-3 लोगों को दे भी सकते हैं कि लीजिए हम सब बैठ के देख। यानी सिनेमा देखना सस्ता हुआ है, समय की अवधि घटी है लेकिन वो सस्ता भी हुआ है। मैं फिर उस पे आना चाहता हूं, एक कोट मैं करना चाहता हूं कि ये कोट मैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी के हवाले से कहना चाहता हूं। लम्हे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साहित्य पर मैं बार बार इसलिए लौटता हूं कि वहां पुख्ता विषय मिल जाता है। कई ऐसे फिल्मकार हैं जो सिर्फ व्यवसाय के लिए फिल्में नहीं बनाते। हम लोगों ने फिल्म को अभी गंभीर व्यवसाय नहीं माना है, अब ये उनका मत है, मैं यहाँ थोड़ा सा उनसे असहमत हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि फिल्म मुख्यतः व्यवसाय ही है। इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना आसान है। मैं फिर अपनी बात प्रोफेसर पचौरी के हवाले से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बात में बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही थी कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सिनेमा इंडस्ट्री है, राजनीति इंडस्ट्री है, न्यूज इंडस्ट्री है। जब ये इंडस्ट्री है तो मुनाफे की बात तो होगी ही, घाटे के लिए कौन उद्योग चलाता है। खैर, वो आगे कहते हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को साहित्य से सहारा मिल जाता है। हम जब तक किसी बात, कथा या विचार से अभिभूत नहीं हो जाते तब तक फिल्म बनाने का यत्न नहीं करते। मैंने ऐसी सफल फिल्में देखी हैं जिन्हें देखकर थिएटर में हंसा हूं, मेरा अच्छा मनोरंजन भी हुआ है, मैं उन्हें बार बार देखता हूं। लेकिन अगर पूछे कि क्या मैं वैसी फिल्में बनाना चाहता हूं तो मेरा उत्तर होगा नहीं। मैं वही फिल्में बनाना चाहता हूं या वही फिल्में बनाना चाहूंगा जिसके विषय में मैं स्वयं अभिभूत हूं। वह फिल्म ऐसे हो जो मेरे समय में हो और मेरे बाद भी कुछ वर्षों तक सराही जाए। यह मेरी रचनात्मक भूख है। यह उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात इतने अच्छे तरीके से कही है। लेकिन हिंदी सिनेमा का एक दुर्भाग्य है कि यहां रचनात्मक भूख 1991 के बाद मैंने मरते हुए देखी है। अब विमल रॉय, आप सत्यजीत रे, आप चेतन आनंद की फिल्में नहीं बना रहे हैं। हिंदी सिनेमा में जब फिल्म के लिए विषय चुना जाता है, जब हीरो हीरोइन तय होते हैं, जब उसका बजट तय होता है, तभी उसकी मार्केट स्ट्रेटजी भी तय होती है कि हम कहां से कितना पैसा, कितना रेवेन्यू इससे हम पा सकते हैं। और अब तो सिनेमा इस तरह से बन रहा है कि इसमें एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगता है, कई लोगों का पैसा लगता है। यानी मुनाफा हो तो सबको हो, घाटा हो तो सबको हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिनेमा घाटे में जा रहा है, खासकर तब जब OTT प्लेटफॉर्म आया है।
इसने मल्टीप्लेक्स कल्चर को बहुत गहरा धक्का दिया है, और 2020 और शायद 2021 में बहुत सारे मल्टीप्लेक्स इसलिए बंद हो जाएंगे या वो घाटे में चले जाएंगे क्योंकि उनको दर्शक नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि ये स्थिति आज के 5 साल बाद आती, ये ठीक उसी तरह है जैसे ऑनलाइन एजुकेशन। भारत सरकार बहुत सारे लोग MOOCs के जरिए पढ़ाने की योजना बनाए थे, बना रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत दिन बाद आएगा, कम से कम 5 साल, लेकिन कोविड ने हमें वो 5 साल पहले कर दिया। हमारे बाकी विकास की गति तो रुकी है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से बढ़े। खैर, वो कहते हैं कि यह मेरी रचनात्मक भूख है। साहित्य चुनने का एक बड़ा लाभ है कि लेखक ने अपने अनुभवों से, ये उस लेखक के बारे में कह रहे हैं जो किताब लिखी है लेखक ने, कि हम लेखक ने अपने अनुभवों से उस विषय का ताना बाना बुना होगा जो उसने साहित्य रचा, पाठकों की अभिरुचि का भी ध्यान दिया होगा। दुर्भाग्य से हम लोग बहुत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे साथ बहुत सारी कहानियां नहीं आती। किसी अच्छे निर्देशक के साथ साहित्यिक कहानी लगे तो वह उस पर फिल्म बनाना चाहेगा। कुछ निर्देशक अपनी फिल्मों को साहित्यिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि फिल्में भी सौंदर्य की अनुभूति देती हैं। हिंदी सिनेमा में यह प्रवृत्ति कम है। दक्षिण और बंगाल में ऐसी चेतना सक्रिय है और वहां के दर्शक उसे पसंद करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये बहुत ईमानदारी से बात लिखी गई है कि हिंदी की अपेक्षा दक्षिण भारतीय सिनेमा में और बंगाल में, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा महाराष्ट्र भी, अगर रीजनल सिनेमा के और साहित्य की बात करें तो इन राज्यों में जबरदस्त साहित्यिक चेतना भी है और इन राज्यों की फिल्मों में वो कंटेंट है जो अपने समय के आगे की बात कहते हैं। इसलिए माफी चाहूंगा, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जोखिम हिंदी सिनेमा को लेना पड़ेगा कि अगर उसे साहित्य के आधार पर फिल्में, साहित्यिक कृतियों के आधार पर अगर फिल्में उसको बनानी है और उसे सफल करना है तो उसको अपने फार्मूले में बदलाव करना पड़ेगा। फिर हमें वो 3 खान से आगे जाना पड़ेगा। आप ताज्जुब करेंगे कि भारतीय सिनेमा में जितनी क्षेत्रीय सिनेमा की फिल्मों का जो बजट नहीं है, उससे ज्यादा हिंदी सिनेमा के जो हीरो हैं उनका, उनकी फीस का भुगतान है। तो सामान्य आदमी, छोटा मोटा आदमी ये फिल्में इस तरह से नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। या फिर वो फिल्म लाने से पहले वो एक मैकेनिज्म बना लेगा कि अगर मैं 100 करोड़ रुपए एक अभिनेता को दे रहा हूँ एक्टिंग के लिए तो मैं इसकी ब्रांड वैल्यू का कितना फायदा ले। फिर वो आमिर खान को साइन करेगा 3 इडियट के लिए तो साहित्यकार फिर वो चेतन भगत को चुनेगा कि इस सिस्टम पे, इस पैटर्न पे हम एक फिल्म बनाए। मैं फिल्म के कंटेंट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि निश्चित ही मेरी पसंदीदा और आप लोगों की भी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। भारत में मुद्दे आधारित जो फिल्में हैं, एक चीज बताऊं मैं ग्लोबलाइजेशन के जो लाभ के बात में कहूं कि ऐसा कम देखा गया है। 1990 से पहले मुझे बहुत याद नहीं है, आप लोग बात के क्रम में, जो बातचीत के क्रम में बताएंगे। ग्लोबलाइजेशन ने जब मार्केट खोले तो विचार भी खोले, समस्याएं खोली, समस्याओं के समाधान भी बताए। अब भारत में डिसलेक्सिया पे फिल्म बन रही है, अब भारत में डिमेंशिया पे फिल्म बन रही है, अब भारत में एजुकेशन सिस्टम पे फिल्म बन रही है, अब भारत में नारी चेतना पे फिल्म बन रही है, अब भारत में भ्रूण हत्या, जलवायु परिवर्तन, पानी जैसे मुद्दों पे फिल्म बन रही है। ये अलग बात है कि ये फिल्म चल कितनी रही है, लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर मुद्दे की फिल्म में
से बिजनेस करना चाहता है तो फिर वो किसी बड़े नायक को ही चुनता है। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगा। एक फिल्म है तारे जमी पर। इस फिल्म के आने के बाद जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब तक आमिर खान के जो प्रोमो थे वो लोग देखते थे और फिल्म आमिर खान के लिए वो लोग आते थे। जब फिल्म लोगों ने देखा तो बोला कि दरअसल नायक आमिर खान नहीं है, नायक वो बच्चा है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने ये समझा कि दरअसल मेरा बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, उसको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है जो डिस्टेंस नहीं कैच कर पाता, अंकों में उसे उलझन होती है, शब्दों को उल्टा लिखता है। इसी तरह फिल्म है थ्री इडियट। थ्री इडियट विशुद्ध कमर्शियल फिल्म है, जैसा हिंदी सिनेमा का फार्मूला है कि वो गाने भी होंगे, उसमें उसमें रोमांस भी होगा, उसमें छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या जो भी। लेकिन ये फिल्म पूरे एजुकेशन सिस्टम पे प्रहार करती कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जो चीज हम रट रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं। वही रटा हुआ चैप्टर मैंने हमने अपने अनुभव से कुछ नहीं दिया है समाज को, हम अपनी किताबों से जो सीख के जाते हैं वही समाज को देते हैं। लेकिन जो वांशुक बांगड़ू है, वो जो आमिर खान का कैरेक्टर है, वो डिग्री को किनारे करता है और अपने अनुभव से सोसाइटी को देने के लिए जतन करता है, उपाय करता है, प्रयोग करता है। ऐसे विषय पे फिल्म बनाने से पहले जरा सोचिए वो प्रोड्यूसर कितना रिस्क लिया होगा कि हम इसमें दिखाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। वो आईटी के उस डायरेक्टर को बोलता है कि आप दरअसल सुसाइड करने के लिए आप उकसा रहे हैं उस बच्चे को, आपने मर्डर किया है जो बच्चा अपने डायरेक्टर से। आप लोगों ने अगर फिल्म देखी हो, क्योंकि मैं इसलिए मैं पॉपुलर फिल्म की चर्चा कर रहा हूं कि आप सबने देखी हो। और लास्ट में जाके उसका डायरेक्टर इस बात को समझता है कि नहीं, कहीं कहीं कुछ दिक्कत मेरे अंदर है। 90s के बाद अगर हम फिल्मों के को लेके देखते हैं तो आगे अगर बढ़ते हैं तो लिटरेचर आधारित बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन बहुत सफल फिल्में नहीं बनी। जैसे आप अगर देखें, उदय प्रकाश जी बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, और उनकी किताब है मोहनदास, और ये फिल्म भी बनी है, लेकिन फिल्म बहुत चर्चा में नहीं रही। दो चीजें हैं कि जैसे किताबों के साथ कहा जाता है कि एक पॉपुलर लिटरेचर माने एक लोकप्रिय साहित्य और एक गंभीर साहित्य। जरूरी नहीं कि जो अच्छा लिखा गया है वो लोकप्रिय भी हो, बहुत चीजें सतही भी होती हैं और बहुत लोकप्रिय हो जाती है। सिनेमा में खास कर ये होता है क्योंकि सिनेमा देखने जब हम बैठते हैं तो नायक के रूप में हम अपने को देखते हैं। जब नायक विलेन को मारता है तो हमें लगता है कि ये हमारी कोई दमित इच्छा है कि जो कोई बुरा कर रहा है हम उसको पीट रहे हैं। भारत में सर्वाधिक प्रतिबंध प्रेम पर है और भारत में सर्वाधिक सफल फिल्में वही होती हैं जिनके केंद्रबिंदु में प्रेम है, और मुझे लगता है कि सर्वाधिक फिल्में भी इसी विषय पर बनती हैं। मुद्दे आधारित फिल्में कम ही बनती हैं, अगर बनती भी हैं, अगर उन्हें मसाला फिल्म के रूप में प्रस्तुत करना है, चलाना है, तो उसमें उनको प्रेम और मार झगड़ा लड़ाई डालना ही पड़ेगा, बशर्ते साहित्यकार ने अपनी कृति में वो डाला हो या ना डाला हो। यहाँ मैं एक और किताब का जिक्र करना चाहूंगा जिसपे जिसकी कृति पे फिल्म बनी है और वो भी संजय लीला भंसाली ने रिस्क लेकर ही बनाई होगी और उसे पता, क्योंकि वो एक विवादित डायरेक्टर हैं, जो भी फिल्म बनाते हैं उससे पहले वो विवाद जरूर होता है। देवदास। देवदास पहले भी 3 बार बन चुकी थी, लेकिन चूंकि उसके मूल में भी प्रेम है और प्रेम बॉलीवुड का सबसे बिकाऊ माल है, साहित्य का हो न हो,
लेकिन मैंने हाल के दिनों में मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जितना भी प्रेम कहानी विशेषांक निकलता है वो सर्वाधिक बिकता है, या प्रेम पे जो उपन्यास है वो सर्वाधिक सर्वाधिक बिकते हैं। इसीलिए शायद जो उपन्यास धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता, उसको स्टूडेंट 12वीं से लेकर और जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती हो तब तक पढ़ता है और उसे वो पसंद करता है। उस पर भी आई थिंक कोई फिल्म बनी है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के बाद तो शायद नहीं बनी है, इसलिए मैं उस पर बहुत बात नहीं करना चाहता। लेकिन अभी हाल में विशाल भारद्वाज की फिल्मों की हम चर्चा कर सकते हैं। विशाल भारद्वाज हिंदी सिनेमा के गंभीर डायरेक्टर, गंभीर म्यूजिशियन है, और उनकी फिल्में कई विषयों में, कई फिल्में उनकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन हाल में चरण सिंह पथिक एक राजस्थान के राइटर हैं, उनकी एक कहानी है दो बहनें, उस पे उन्होंने फिल्म बनाई पटाखा। इस फिल्म का भी तथ्य बिल्कुल अलग है। दो बहनें हैं, हमेशा आपस में झगड़ा करती हैं और हमेशा एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती, और नहीं रहने की वजह से उन दोनों में जो झगड़ा है, तनाव है। बताते हैं लोग कि एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, जिसको देख करके चरण सिंह पथिक ने ये लिखा। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हम विशाल भारद्वाज को थोड़ा कमजोर पाते हैं, बसरते मकबूल, बसरते ओंकारा, बसरते हैदर के। लगता है कि डायरेक्टर जो न्याय शेक्सपियर के रचनाओं पे से के साथ कर रहा है, वो न्याय इस हिंदी राइटर के साथ नहीं कर पा रहा है। हो सकता है विशाल भारद्वाज के भी समक्ष वही संकट हो कि हमने जो निवेश किया है हम उसको निकालें कैसे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री चली बहुत, अगर उसमें बूम आया, तो उसमें आई थिंक तीन खान का बड़ा रोल है। आप तीन खान से समझ रहे होंगे, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। सलमान खान के स्वदेश, सॉरी माफी चाहूंगा, शाहरुख खान के स्वदेश और आमिर खान की जो कुछ समाज के लिए, समाज को ध्यान में रख के जो फिल्में बनी हैं वो छोड़ दिया, तो सलमान खान की मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। लेकिन ये अपने स्टाइल, अपने एक्टिंग, अपने ग्लैमर के लिए ज्यादा जाने गए। और जब हम आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कुछ उन फिल्मों की सूची बनाएंगे जो विशुद्ध और विशुद्ध मनोरंजन ही करती हैं, उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, तो उसमें हम सलमान खान की फिल्मों को ले सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो हिंदी सिनेमा है उसमें शायद रीमेक सर्वाधिक बार इन ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही बने। तो एक सवाल ये भी है कि एक तरफ डायरेक्टर फिल्मों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, साहित्यकारों की कृतियों पे फिल्म नहीं बनाना चाहता, बनाता है तो उसमें तोड़ मरोड़ करता है, दूसरी बात उसे स्क्रिप्ट का घोर अभाव है। मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं पान सिंह तोमर के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि बहुत अभाव है स्क्रिप्ट का। वो बतौर एक डायरेक्टर हैं, हो सकता है कि वो राइटर भी हैं, उनकी बात वहां मेरी समझ में आती है कि अभाव है। मैंने तब महसूस किया जब लगातार रीमेक पे रीमेक बन रही है, यानी जो आपकी कहानी है, जो पता चला कि ये मराठी कहानी है, पता चला ये सिनेमा बन चुका है दक्षिण भारतीय फिल्मों में, उसको हम फिर हिंदी में ला रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो हम उसको डब करके लाएं या हम उसका रीमेक ही बना दें। तो मुझे नहीं याद है कि 90 से पहले बहुत सारी फिल्मों के इतनी बड़ी संख्या में रीमेक बने होंगे। दूसरी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि पर्सनालिटी बेस्ड फिल्में बनी इस दौर में।
जैसे लोगों की जीवन पे फिल्में बनी, स्पोर्ट्स पे फिल्में बनी, स्पोर्ट्समैन पे बनी और बीमारियों पे फिल्में बनी। इनके लिए किसी बड़े साहित्यकार के नॉवेल की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है कि जो स्क्रिप्ट होती है वो भी अपने आप में एक साहित्य है। जैसे हम कहते हैं कि खबर भी एक साहित्य है, वो झटपट लिखा गया साहित्य है। जैसे एक मैं इसको फिर से समाचारों से जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह एक रिपोर्टर के साथ एक बड़ा चैलेंज होता है कि जो खबर है हम उसको अपने रीडर तक कैसे पहुंचाएं, एक डायरेक्टर के पास भी वही चैलेंज होता है। जर्नलिस्ट के ऊपर रेवेन्यू का कोई दबाव नहीं होता है कि वो अपनी खबर बेच के और वो खबर रीडर तक जाए तो वो उसको अखबार वो इसलिए खरीदे कि उसने वो खबर लिखी, क्योंकि खबर में वो कंटेंट होता है, वो दम होता है, वो खबर रीडर पढ़ लेता है। सिनेमा के साथ भी यही है, लेकिन दोनों जगह जो अभाव है वो है गंभीर दर्शक का और गंभीर पाठक का। ये साहित्य के साथ भी ये दिक्कत है, ये सिनेमा के साथ भी दिक्कत है, क्योंकि जब भी बड़े फिल्मकार मिलते हैं, बहुत अच्छे फिल्मकार हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत दबाव है, हम कोई चीज कोई प्रोडक्ट तैयार कर लें तो हमें तो पहले ये चिंता रहती है कि ये डेट मिलेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं, बनेगा तो आगे बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा तो ये सेंसर पास करेगा कि नहीं, सेंसर पास करेगा तो ये एक हफ्ता चलेगा कि नहीं, क्योंकि फिल्मों का भविष्य एक हफ्ते में तय होती है, बसते फिल्में साल भर में बने, 365 दिन में अगर कोई फिल्म बनती है तो 7 दिन उसका भविष्य तय कर देता है, और मेरा मानना है 7 दिन में वो फिल्म वसूल भी कर लेती है। क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिने जगत ने लाख आपस में लोगों में विरोध हो लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनके विरोध के कारण इनका बिजनेस हैम्पर ना हो, इसलिए जो शुक्रवार का दिन होता है बहुत सारे लोग आपसी मतभेद भुला के ये शुक्रवार उनको दे देते हैं, अगला शुक्रवार वो उनको दे देते हैं, इस तरह की गतिविधि चलती है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद एक चीज और मैंने महसूस किया कि जो फिल्म में जो टेक्निक का रोल है उसने शब्दों के महत्व को कम किया है। थिएटर में भी ये चीज होता है कि लाइट साउंड म्यूजिक थिएटर में भी इतना बढ़ गया है, मैं थिएटर से मेरा आशा नाटकों से है, इतना बढ़ गया है कि बहुत बार एक लाल रंग की रोशनी मंच पर आती है और दर्शक उससे रिलेट करता है कि ये कुछ कहना चाहती है। फिल्म में जब पहली बार संगीत का प्रयोग हुआ था तभी वो वही भाव पैदा हुआ था, संगीत शब्द का काम कर रही थी, आज तकनीकी भी शब्द का काम कर रही है। इस तरह से साउंड इफेक्ट है कि हमें लग जाता है कि नहीं, कुछ हम जहां बैठे हैं वहां कुछ भयानक हो रहा है, इस तरह के साउंड इफेक्ट है, हमें लगता है पानी का छप्पा मेरे ऊपर आ रहा है, इस तरह के साउंड इफेक्ट है, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि हमें लगता है कि नहीं, हम सिनेमा नहीं वास्तविकता देख रहे हैं। मैं बाहुबली फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा, धूम फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा, रोहित शेट्टी की जितनी फिल्में हैं जिसमें गाड़ी 6 माला ऊपर तक घूम के फिर वो नीचे आती है और दर्शकों में एक फैंटेसी क्रिएट कर देती है कि अरे कितना, इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं है लेकिन इसका टेक्नोलॉजी से संबंध है, और ये सभी टेक्नोलॉजी आयातित टेक्नोलॉजी है। आपको शायद ये जान के ताजुब हो या हो सकता है बहुत से साथी जानते हो कि फिल्मों में, भारतीय फिल्मों में, चाहे वो साउथ की हो, चाहे नॉर्थ की हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हर बड़े बजट की फिल्म है, तो वो टेक्नीशियन बाहर के हायर करते हैं, जो हॉलीवुड के टेक्नीशियन है उनको वो हायर करते हैं अपने यहाँ, क्योंकि उसका मार्केट भी देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने जो एक बड़े व्यापक तौर पर सिनेमा को दिया है वो दिया है मुक्त व्यापार। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक फिल्म आई थी आमिर खान की पीके, आप सबने देखी होगी, भारत में उसको लेकर विवाद भी हुआ,
फिल्म भारत में जितना बिजनेस नहीं की, उससे ज्यादा उस फिल्म ने चाइना में बिजनेस किया, क्योंकि उस वो अनुदित हुई, उसके डायलॉग जो है मैंड्रिन में अनुदित हुए और वो चाइना में उसने खूब अच्छा खासा व्यापार किया। बाहुबली के साथ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि जब ये क्षेत्रीय भाषा में बनी, जब ये प्रादेशिक भाषा में फिल्म बनी, तो उसके इफेक्ट ने लोगों को मोह लिया, लेकिन वो उतना बिजनेस नहीं कर पाई, वो शायद 100 करोड़ ही बिजनेस वहां कर पाई। लेकिन जैसे ही वो हिंदी में आई और मनोज मुंशीर ने उसके डायलॉग लिखे हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं, आप लोग जानते होंगे कवि, तो उसको एक बड़ा बाजार मिल गया, हिंदी का बाजार। हिंदी प्रदेशों में रहने वालों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा हो ना हो, लेकिन बाजार वो एक बहुत बड़ा है, जिसके पास है क्रय शक्ति वो उसको खरीद लेता है। और आजकल सबसे सस्ता अगर कुछ है तो फिल्म देखना है, क्योंकि डेटा सस्ता है। और जब वो फिल्म बाहुबली हिंदी भाषी क्षेत्रों में, फिल्म एक साथ रिलीज हुई थी, लेकिन इन क्षेत्रों में उसका व्यापार सबसे ज्यादा था। जब वो कहता है कि जय माहिष्मती या मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो लोग उसको अपने अपने मोरल वैल्यूज से जोड़ के देखते हैं। नहीं, एक माँ है जिसकी जिसकी बात लोग मानते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि तुम्हें ये बाहुबली में क्या दिखता है, क्या वो शिवलिंग उठा लेता है इसलिए तुम्हें, या फिर एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देता है, या वो अपनी माँ का कहना मानता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए जिनमें ये बातें समाहित हैं। खबरों से हट के जब मैं यूथ से मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। उसने कहा कि वो अपनी मां की बात बहुत मानता है। किसी ने कहा कि वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता है। किसी ने कहा हमारे लीडर्स को बाहुबली से वो लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। कोई कटप्पा में स्वामी भक्ति देखता है, और अलग अलग कैरेक्टर के साथ वो लोग रिलेट करते हैं। तो सिनेमा, कोई भी साहित्य या कोई भी सिनेमा हिट तभी होगा जब वो जनता को कहीं कहीं टच करेगा, वो छुएगा। आप उसी दुकान पर बार बार जाते हैं जहां आपका खाना आपको अच्छा लगता है। अब एक एक नई चीज, एक नया वर्ग जो आया है, जो पढ़ा लिखा समाज है, खासकर सन 2000 के बाद की पैदाइश के जो बच्चे हैं, मैं बताऊं, ये टेक्नोलॉजी को इतने आत्मसात कर लिए हैं कि एक फिल्म देखने से पहले वो उसमें ये खोज लेते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। दिल्ली विश्वविद्यालय आमतौर से मेरा जाना होता है। जब एडमिशन के समय मैं बच्चों से बात करता हूं, तो बोलते हैं हमें इम्तियाज अली की फिल्मों का इंतजार है। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे विशाल भारद्वाज की फिल्में अच्छी लगती हैं। वो बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो राजकुमार राव की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि अब वो फिल्म के डायरेक्टर को भी, हीरो को तो वो पसंद करते हैं, हीरो चूंकि पर्दे पर दिखता है, बार बार दिखता है, इसलिए बहुत जल्दी उसे वो रिलेट कर लेता है जो उसका दर्शक है। लेकिन अगर एक 12वीं पास बच्चा कहता है मुझे इम्तियाज अली की फिल्में अच्छी लगती हैं, मुझे विशाल भारद्वाज की फिल्में अच्छी लगती हैं, या मुझे रोहित शेट्टी की फिल्में अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें बहुत मार धाड़ होता है, बहुत एक्शन होता है, तो मतलब है कि जो आपका दर्शक है, जो पॉकेट में मोबाइल में अमेजन प्राइम का ऐप लेके चल रहा है, जिसके लिए गूगल गुरु है, वो अगर 200 रुपए भी खर्च कर रहा है तो अपने मनोरंजन पे, तो वो उसकी जानकारी चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि दरअसल आने वाला इसकी अगली फिल्म क्या आएगी, क्या मैं उसमें अपना समय दूं कि न दूं। एक और विषय है जिसपे मैं, ये सारे एक दूसरे से संबंध है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिल्मों का प्रमोशन और प्रचार। हाल के चीजों में अभी मैं जिस तरह से सिनेमा का प्रचार ग्लोबलाइजेशन के बाद अलग तरह से बढ़ा है, आप लोगों ने भी अगर गौर किया हो, तो अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़े शहरों में अब पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे।
लेकिन आप जरा सन 2000 के पहले देखिए, जब सिनेमा हॉल थे बहुत ज्यादा, अब तो बहुत सारे जगहों से सिनेमा हॉल भी खत्म हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में दिल्ली से एक दर्जन से अधिक सिनेमा हॉल खत्म हो चुके, या तो वो मल्टीप्लेक्स में तब भी लोग हैं, या उसमें कोई विशाल मेगा मार्ट या कुछ मार्केट के लिए बन चुका है। जब मैंने उनसे पूछा, उनके मैनेजर से, मालिकों से, कि आप सिनेमा हॉल क्यों बंद कर रहे हैं, उनका बड़ा निराशाजनक उत्तर था। उन्हें कहा, जिस टिकट तो हमने अभी 80 रुपए रखा है, लेकिन लोग यहाँ देखने नहीं आते हैं। हमारे टिकट का जो खर्च है, हम जो एसी लगाते हैं, जो हमने साउंड लगा रखा है, जो हमने अपने यहाँ मजदूर लगा रखा है, जो कर्मचारी है जो टिकट देखता है या बाकी चीजें मैनेज करता है, टिकट काटता है, वो अब खत्म है। वो हम जो पैसा आता है, मैं उनका वेतन तक नहीं दे सकता हूं। तो क्यों ना मैं अपने सिनेमा हॉल को लीज पर दे दूं, क्यों ना मैं अपने सिनेमा हॉल को एक मैरिज हॉल बना दूं, कि शादी के टाइम मैं इसको इससे वो कर सकता हूं, पैसा मुझे कुछ मिल सकता है। तो एक आज जो सिनेमा हॉल के सामने संकट है, ओटीटी आने के बाद हो सकता है कि अगला संकट मल्टीप्लेक्स के पास भी यही हो, क्योंकि जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर या ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं, तो हम पूरे दिन का एक पैकेज बना के जाते हैं कि छुट्टी के दिन जा रहे हैं तो हम सामान भी खरीद लेंगे, हम फला टाइम सिनेमा भी देख लेंगे, बाहर आउटिंग हो जाएगी, खाना खा लेंगे। लेकिन शायद मल्टीप्लेक्स के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 6 इंच के मोबाइल में आपका एक छोटा सिनेमा घर है जो आपके टीवी पे भी खुल जाता है और आप बेहतरीन वाईफाई सुविधा के साथ आप उसको देख सकते हैं। तो सिनेमा के सामने एक बड़ी चुनौती इसके प्रचार की भी है कि अब उसको हम कैसे प्रचार प्रसार करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लोगों ने जब 90s के पहले तो पोस्टर का युग था ही, 2000 से पहले भी पोस्टर का युग था, लेकिन 2000 के बाद, खासकर 2010 के बाद, जब इंटरनेट बहुत सस्ता हुआ, तो सोशल मीडिया प्रचार प्रसार का माध्यम बन गया। और फिल्मों के प्रचार के माध्यम जुमले हो गए। जैसे अगर आपको याद हो, बाहुबली फिल्म आई जब, और बाहुबली फिल्म जब खत्म हुई, लोगों ने देखा, साल भर तक ये जोक चलता रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तमाम बातें करने के बाद लोग कहते थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये केवल जुमला नहीं था, ये हो सकता है कि प्रचार का एक बड़ा माध्यम हो कि जब अगली फिल्म आएगी तो अगली फिल्म लोग बस ये देखने के लिए जाएंगे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आपने देखा होगा कि 2000 के बाद फिल्मों के प्रचार प्रसार के तरीके बदले। कभी नायक पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर लेता है, कभी वो बहुरूपिया बन के ऑटो में घूमता है, कोई मुझे पहचानो, कभी हमले हो जाते हैं, कभी कोई सेना, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष की सेना किसी चीज पे या उनके ग्रुप्स किसी पे हमला कर देते हैं। ये अटेंशन की चीज है कि हमारा सिनेमा, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, सिनेमा एक प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उस पे लोगों का अटेंशन कैसे जाए। क्योंकि अगर आप एक बिस्किट या एक साबुन का विज्ञापन देखते हैं तो उसका वो, या तेल का विज्ञापन देखते हैं तो वो तमाम तरह से उसके बारे में वो बताता है कि भाई ये लगाएंगे तो महकेगा, ये खाएंगे तो ये बहुत ताकत के लिए अच्छा है, ये तेल हार्ट के लिए आपको बहुत अच्छा है। सिनेमा क्या बताए कि आप, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर कैसे बताए कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों देखें, आप उस सिनेमा को क्यों देखें, इसमें सांप्रदायिक सद्भाव है इसलिए देखें, इसमें मम्मी माँ पिता गुरु का आदर करना सिखाया जाता है इसलिए देखें, या देश की राष्ट्रीय समस्या को ये बता रहा है इसलिए देखें।
एक बड़ी चुनौती है प्रोड्यूसर के लिए कि वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लेकर आए, तो उसने तो वो उसके लिए तरह तरह तरीके चुनते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, कई फिल्में जो रिलीज के वक्त उतनी नहीं चली 2010 के बाद ज्यादा देखी गई, और 2018 के बाद तो और ज्यादा देखी गई। जो मैं कह रहा हूं आप उससे रिलेट कर पाएंगे। आप अपना फेसबुक उठाइए और जो उनके प्रमोशनल जो उनके मैसेजेस हैं, जो उनकी वीडियो हैं, आप उससे आप वीडियो पे बस क्लिक करें, आप देखेंगे कि फिल्मों की जो पॉपुलर सीन है, पॉपुलर डायलॉग है, चाहे वो प्रेम के सीन हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो फाइट के सीन हो, वो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की क्लिप्स आने शुरू हो जाएंगे आपके सामने, और आप उन क्लिप को देखेंगे, आप उनको बार बार देखेंगे। क्लिप देखने के बाद आप फिल्म खोजेंगे, फिल्म खोजने के बाद आप फिल्म को देखेंगे, आप उसको OTT पे खंगालेंगे, आप उसको टेलीग्राम पे खंगालेंगे, आप उसको नेटफ्लिक्स पे खंगालेंगे, ये मैं कहां से देख सकता हूं, और फिर फिल्म आप देखेंगे। और पिछले 1.5 सालों में बहुत फिल्में देखी गई, लोगों के पास लॉकडाउन में वक्त था, लोगों ने फिल्म देखी। तो आप दूर मत जाइए, आप रामायण को देखिए। रामायण जब आया था तब उतने माध्यम नहीं थे देखने के, एक दूरदर्शन होता था, लेकिन माध्यम बढ़ते गए, और जब माध्यम बढ़ेंगे तो रामायण का पुनः प्रसारण उतना नहीं हुआ जितना लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने रामायण को देखा है, बड़े स्तर पे देखा है, और लोगों ने महसूस किया है कि और बहुत अच्छी चीजें सीखी भी होंगी उसके, उसको लेके एक अपना जनमत भी तैयार किया होगा। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताना चाहता था कि जो साहित्य है वो फिल्म, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिल्मों में गीत लेखन है, साहित्यकार उसको, उस लिखे को साहित्य नहीं मानते। बहुत कम ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी जगत के साहित्यकारों में उनका स्वीकार्य, वो स्वीकार्य भी हैं और फिल्मों के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं इरशाद का नाम लेना चाहूंगा, इरशाद कामिल। इरशाद फिल्मों में भी गाने लिखते हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं। गुलजार, जिसको मुझे याद है कि बहुत सारे साहित्यिक संगोष्ठियों में उनको बुलाया भी जाता है और फिल्मों के लिए भी उतना ही लिखते हैं, लेकिन गुलजार के मन में भी ये एक खलिश है। एक कार्यक्रम में बातचीत हो रही थी और वो इवन वो बात भी कर रहे थे इस बारे में कि ये बात है, आई थिंक 2010, 2011 या 2012 की एक किताब आई थी, गुलजार के गानों पर ही किताब थी, उसके विमोचन में आए थे और वहां पे आने वाले थे केदारनाथ सिंह जी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में कार्यक्रम था, केदारनाथ सिंह जी को थोड़ा देर हो गया आने में और गुलजार साहब तब तक कुर्सी पे नहीं बैठे मंच पे, वो खड़े रहे, वो वेट करते रहे केदारनाथ सिंह जी का कि वो आए, वो बैठे तब मैं बैठूंगा मंच पे। ये सम्मान उनका एक हिंदी के लेखक, हिंदी के बड़े कवि के लिए है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदी जगत में जो गुलजार को एक एस्टैब्लिश राइटर नहीं मानते, उनको फिल्म के एक गायक, एक फिल्म के एक लेखक के रूप में और फिल्म और गीत लिखने के रूप में मानते हैं। उनकी आलोचना भी होती है जब वो ओंकारा के लिए उन्होंने वो गीत लिखी थी, बीड़ी जलाई ले जिगर से बिया, या फिर आप बंटी और बबली के उनके गीत देखिए, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। लेकिन अगर उस पूरे गाने के रिदम को आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई साहित्यकार उस तरह से गीत लिख पाएगा जिस तरह से उसने, क्योंकि गुलजार ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी एक बार बातचीत के क्रम में ही कि इसे समझना बहुत आसान नहीं है कि जो फिल्म की डिमांड है, जो फिल्म मांगती है, जो फिल्म चाहती है, उस बात को एक सर्टेन फॉर्मेट में लिख दें। क्योंकि अब फिल्मों में तरीका बदल गया है म्यूजिक का, धुन पहले बनती है, राइटर बाद में उस धुन पे गाने लिखता है। अगले सत्रों में सागर का मैंने देखा, नाम है डॉक्टर सागर का, बहुत अच्छे लिखते हैं सागर, इस बारे में शायद आप लोगों को ज्यादा विस्तृत बताएं। क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है किसी भी राइटर के लिए, खासकर गीतकार के लिए, कि
वो उस सिचुएशन को कैसे समझे, कैसे, क्योंकि जो सामान्य कवि होता है उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, उससे जो समझ में आता है, जो उसके मन के भाव है, क्रोध में है वो प्रेम में है, वो वात्सल्य में है, वो जिस व्यवस्था से क्षुब्ध है, जैसे है वो लिख देता है। और हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाएं उसको छाप देती हैं। लेकिन एक जो गीतकार है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है ये। तो वो भी साहित्य का एक पार्ट है। मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन में यहां तक आ गया है कि हिंदी सिनेमा के जो राइटर हैं, हिंदी सिनेमा में जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, हिंदी सिनेमा में जो गाने लिखने वाले हैं, उनको साहित्यिक मंचों पे बुलाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में शायद इनकी महत्व को, इनके मेहनत को लोग समझें और वहां तक उनको बुलाएं। सर आपकी आज्ञा से गुस्ताखी कर रहा हूं सर। हाँ सर, प्रश्न उत्तर के लिए भी कुछ समय हम रखेंगे सर, 5:40। तो आप, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं? जी जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ, मैं अपनी बात दो बिंदुओं पे खत्म करना चाहूंगा। खत्म करने से पहले मैं ग्लोबलाइजेशन के बाद जो साहस दिखाया है कुछ डायरेक्टर्स ने, उन पर मैं बात करना चाहूंगा। आप फिल्म आपने देखी होगी विकी डोनर, आयुष्मान खुराना की फिल्म, बिल्कुल एक अलग विषय। ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो जो साहस है उनका, जो डायरेक्टर का, जो प्रोड्यूसर का, जो राइटर का साहस है, जिसने समाज के इन विषयों को समझा और लिखा। विकी डोनर का विषय आप जानते हैं, थैंक्स माँ एक फिल्म आई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है ये। भारत में ऐसी फिल्में कम बनती हैं जो जो घरेलू हिंसा, खासकर घरेलू यौन हिंसा पर आधारित हो। मुझे याद है हाईवे और थैंक्स माँ एक बहुत अच्छी फिल्म है उसमें, और एक जो रहते हुए भी जो अकेलापन है लोगों में, उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आई है ड्रीम गर्ल। मैं इनके साहित्यकारों, जो इनको लिखने वाले हैं, वो बड़े माने, मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि आप संसाधन से गिरे हैं, चारों तरफ से गिरे, फिर भी आप अकेले हैं, और आप उन नंबरों पर फोन करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आइए बात करने के लिए आप इस पर फोन करें। ये फिल्म, ये जो नए डायरेक्टर हैं, नए हीरो हैं, नए लड़के हैं जो चैलेंजिंग रोल निभा रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये फिल्म जो है लीग से हट के है, हमें करना चाहिए। इसके अलावा कुछ वुमेन सेंट्रिक फिल्मों पे मैं बात करना चाहूंगा। आप, मैं सबसे पहले एक फिल्म थप्पड़ की चर्चा करना चाहूंगा, अगर आप सबने देखी हो। तापसी बहुत अच्छा इसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। थप्पड़ भी एक घरेलू हिंसा पर आधारित फिल्म है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो सब कुछ करने में सक्षम है, जो योग्य है, लेकिन वो अपने परिवार में अपनी बात, अपने ही परिवार में, दो परिवार होते हैं एक लड़की के, एक पिता का घर होता है, एक पति का घर होता है, जो पति के घर में अपने को अनकंफर्टेबल फील करती है और अपने पिता के घर में अपनी बात कहना चाहती है, तो उसकी माँ कहती नहीं, ये सब चीजें होती रहती। ये विषय मुखरता से भारतीय सिनेमा में उठ रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि महिलाएं एक बड़ा बाजार का हिस्सा हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदती हैं या उनके साथ ऐसा होता, इसलिए नहीं, ऐसी फिल्में हमें एजुकेट करती। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद डायरेक्टर्स ने ये साहस दिखाया, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें ऐसी फिल्में भी बनानी चाहिए, और जिसपे प्रोड्यूसर ने भरोसा जताया, और इन फिल्मों ने बिजनेस भी किया, हालांकि खान की फिल्मों की तरह बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने किया। इसी तरह पिंक फिल्म आई, एक फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसपे बड़ी तरह तरह की बातें की गई, द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म को लोगों ने अलग तरीके से देखा, अलग नजरिए से देखा, लेकिन मैं जिन फिल्मों का नाम ले रहा हूं, ये महिला सशक्तिकरण की फिल्में हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बाद
बड़े पर्दे पर आई, OTT प्लेटफॉर्म पे आई और लोगों ने इनको सराहा, इनको देखा। और जो इनके लिखने वाले हैं, जिनको मैं साहित्यकार ही कहता हूं, उन्होंने ये साहस दिखाया, इन विषयों को चुना और अपनी कहानी उस प्रोड्यूसर को सुनाने में सफल रहे, समझाने में सफल रहे कि मार्केट यहां भी है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, तो लोगों तक ले जाइए, लोग सराहेंगे उसको। और लोगों ने उसे सराहा। मैं लास्ट में 2-3 बातें और कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पहला तो ये कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है। और जैसे एक समय कहा जाता है कि आप खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, सिनेमा भी उसी कैटेगरी में रखा गया जाता था कि लड़का अगर टीवी देखेगा तो बिगड़ जाएगा, सिनेमा देखेगा तो बिगड़ जाएगा। और आज भी बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो कक्षाओं में अपने बच्चों पे फिल्मों पे बात करते हैं। मैं एक महानगर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने यहां बहुत कम टीचरों से, जबकि एक महानगर है, यहां बहुत खुली सोसाइटी है जो खुल के बात कर सकते हैं लोग, लेकिन मैंने यहां भी नहीं देखा। दूर दराज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां भी बच्चे चोरी से सिनेमा देखने जाते। मेरी एक अपील है कि सिनेमा कोर्स में पढ़ाया जाए, न केवल हिंदी सिनेमा बल्कि विश्व सिनेमा पढ़ाया जाए, बच्चे उसके बारे में जाने, समझें और देखें। और तीसरी बात, कि शिक्षक खुद बच्चों को प्रेरित करें कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। अगर कोई अच्छी फिल्म आई है, उन्हें जैसे एक पहल मिरांडा हाउस ने किया था, मुझे याद है पिछले साल पैडमैन फिल्म आई थी, और न केवल उन्होंने अपने यहाँ के लड़कियों को, बसरते सरकारी स्कूल के लड़के लड़कियों को उन्होंने बुलाया वो फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उस फिल्म ने उनको एजुकेट किया। जब हम एजुकेट करेंगे तो बच्चे का फिल्म देखने का एक नजरिया बदलेगा, और हमें लगता है कि ये किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया, आपने हमें सुना। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने जिस बिल्कुल बेबाकी से सर अपनी बात रखी और जिस सहजता से आपने मंडलीकरण के बाद उभरे जो व्यवहारिक पक्ष हैं, जो समाज के साथ बिल्कुल दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पक्षों को बिल्कुल सहजता से, सरलता से और जिस बिल्कुल आम भाषा के साथ प्रस्तुत किया है सर, इसके लिए सर आपको साधुवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रतिभागियों से प्रश्न लेने से पहले सर, और उनके, क्योंकि शाम का वक्त है, सब लोग इस समय चाय में बिजी हो जाते हैं और सब लोग 6 बजे 6 घंटे से लगभग सभी प्रतिभागी जो हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। नहीं, मैं तो माफी चाहूंगा कि मैं उनके साहस को सलाम करता हूं कि दिन भर सुनने के बाद उन्होंने मुझे सुना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सभी प्रतिभागी रोज सर बिल्कुल सुबह 11:30 बजे से लेकर और 6 बजे तक बिल्कुल बिल्कुल बैठे रहते हैं सर, और ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न उत्तर भी करते हैं सर। क्रम को सर, हमारे पास 10 मिनट का समय है सर लगभग, तो उस क्रम में अगर कोई सवाल आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ एक दो सवाल, क्या सर, एक दो एक तरीके से मेरी जिज्ञासा है, इसको मैं, जो आपके ही वक्तव्य से निकला है, आपके व्याख्यान से निकला है, जिस बखूबी से आपने बाजार, निवेश, साहित्य, सिनेमा के बिल्कुल कम्पिटिटिव दौर को प्रस्तुत किया है, उस संदर्भ में ही है कि जैसे आप अपने वक्तव्य के अंदर ये बोल रहे थे कि सर जो स्क्रिप्ट का एक अभाव है, जो ऐसा फिल्म जगत के अंदर मानने को लोग कह रहे हैं, मेरा इसके ऊपर एक टेक ये भी है कि क्या सर, मतलब आप बेहतर अगर कुछ बता पाए इस पर, मेरी एक जो समझ है कि स्क्रिप्ट लिखने की कला भी अपने आप में कमजोर हुई है बाजारीकरण के बाद या उदारीकरण या भूमंडलीकरण के बाद। ये इस नजरिए से कह रहा हूं मैं कि क्या भाषा अपने आप में जो एक समझ और एक समाज के दर्पण को प्रस्तुत करती थी, क्या वो दर्पण हमारे साहित्य और भाषा में कहीं कमजोर हुआ है क्या? ये मेरा प्रश्न है, मतलब इसके वजह से क्या स्क्रिप्ट जो है वो लिखने की जो शैली है या जो उसके जो अर्थ है वो बदल गए हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन हम जब हम
ओटीटी प्लेटफॉर्म और बाकी दूसरे चीजों को देखते हैं तो उसमें छोटे रूप में ही सही, लेकिन कई नए और अलग तरीके के स्क्रिप्ट लेखन देखने को भी हमको मिलती है, जिसमें जो नए तरीके के जो वेब सीरीज आई हैं, खासकर उन वेब सीरीज के दौरान वो चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इसको मैं जोड़कर देखना चाहता हूँ, बहस को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ बाकी आप बताइएगा कि जैसे 70 और 80 के दशक में जब कमर्शियल फिल्में भी बनती थी तो उसके पैरलर में अब नसरुद्दीन शाह या फिर हमारे ओमपुरी, फारूक शेख, जो ये पैरलर सिनेमा में जिस तरीके से, चाहे वो आक्रोश हो चाहे वो क्रोध हो, जिस तरीके की पैरलर मूवी कमर्शियल नहीं है बट एक सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करती है। लेकिन ये सवाल जो है ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कई पक्ष आ रहे हैं। जब हम ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पैरेलल सिनेमा नहीं बन रहा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद सिनेमा दो कैटेगरी में बट गया है, या तो बहुत महंगा सिनेमा बन रहा है या बहुत सस्ता सिनेमा बन रहा है। जब मैं महंगा कहता हूं तो वो आप समझ सकते होंगे कि वो करण जौहर की फिल्में होंगी, रोहित शेट्टी की फिल्में होंगी, कपूर्स की फिल्में होंगी। लेकिन जब मैं सस्ता सिनेमा कहता हूँ तो वो फिल्में डॉक्यूमेंट्री होंगी, यूट्यूब के लिए बनाई गई होंगी, और या फिर आपको पता है 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक की फिल्में बन रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जहां तक स्क्रिप्ट की बात है, यहाँ दो बातें हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर है, जब मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर आपके पास आता हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं, आप उसमें मार्केट वैल्यू देखते हैं और आप कहते हैं कि क्या ये फिल्म को मुझे तुम समझाओ, नरेट करो कि क्या ये फिल्म को अगर मैं बनाता हूं सेलुलॉइड पे आती है तो कैसी दिखेगी, क्या होगा। और प्रोड्यूसर को लगता है नहीं नहीं ये जम नहीं रहा है, फिर वो उसको किनारे कर देते। ये मेरा आरोप, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता कि स्क्रिप्ट का अभाव है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी बहुत नए राइटर हैं। आप आर्टिकल 15 फिल्म देखिए, बिल्कुल नए राइटर ने लिखी और अच्छी फिल्म लिखी है। सवाल है कि फिर वो एक भेद आता है कि आप अच्छा किसे कहते हैं। मुझे अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं हमारे प्रोड्यूसर को भी अच्छी लगे। और जो पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे हैं आप, तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी एक समानांतर सिनेमा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी, और मार्केट 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 ओरिएंटेड है। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। और आपको मैं 2-3 फिल्मों के नाम बताऊं जो इस पे बेस्ड है, नीला माधव पांडा। इसी पे एक हमारे प्रतिभागी का भी प्रश्न है, तो शायद हो सकता है कि उत्तर आप इस पे दे सके। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका एक प्रश्न है, तो इसी के समानांतर है, तो मैं सिर्फ पूछ लेता हूँ ताकि सर दोबारा आपको उस पर जवाब नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको रोका सर, माफी चाहूंगा सर इसके लिए, गुस्ताखी के लिए। नहीं कोई नहीं, प्लीज। सर वो कह रहे हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सर, इन्होंने सोशल थीम को रेगुलर सिनेमा के बजाय ज्यादा बोल्डली हमारे सामने रखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। रेगुलर सिनेमा उतना बोल्डली सोशल इश्यूज को नहीं प्रेजेंट कर पाया जितना कि ओटीटी अभी के समय में कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या सर आप कहना चाहेंगे? देखिए हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है। कहीं कहीं अगला सवाल इससे जुड़ा होगा, या अगला कोई साथी जरूर पूछना चाहेगा कि ओटीटी पे सेंसर कर देना चाहिए क्या। जी 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 जी, ये सच है। दरअसल ये मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि केवल गालियों की भाषा में ही फिल्में आए, जैसे मिर्जापुर फिल्म आई, जैसे अभी हाल में बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्में नहीं, इसको मैं वेब सीरीज कहते हैं ओटीटी पे। लेकिन चयन का आधार तो आपका है कि आपको देखना क्या है। कोका कोला तो खान को पकड़ा के पेप्सी या कोका कोला वो टीवी पे हमें दिखाएगा कि ठंडा मतलब कोका कोला, कि अगर आप कोका कोला हाथ मिले तभी वो ठंड पाए, वो ठंडा मतलब कोका कोला ही है, शरबत रुआजा नहीं ठंडा, ठंडा का मतलब कि कोका कोला ही। बिल्कुल। तो जब वो वेब सीरीज अमेजन पे मिर्जापुर आती है और जब उसकी गाली आपको पसंद नहीं तो आप मत देखिए, आप पंचायत देखिए, आप ताजमहल देखिए, आप बहुत सारी सीरीज है। लेकिन ये मैं सहमत हूं इससे कि इतनी बोल्डली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल हर एज ग्रुप के पास है,
एक बच्चा भी मोबाइल रखा है, और जब उसे हिंसा, सेक्स एब्यूज लैंग्वेज जब उसे पसंद है, वो खोलता है तो उसे वही दिखता है। तो मैं उनसे सहमत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का साथी कह रहा है कि मोहल्ला 80 भी गाली, यस गाली है, और अगर आप बनारस से परिचित हो तो बनारस में तो गाली का कल्चर है। वो किताब जब लिखी गई थी तभी बहुत विवादों में थी, मैं उनकी गाली से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिल्म के कंटेंट से और जिस विषय पे वो किताब है उस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सर एक प्रश्न नहीं है, बट हमारे महाराष्ट्र के एक साथी हैं सचिन माने, उन्होंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और महाराष्ट्र के बारे में बताया। आपने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र के बारे में, तो बेसिकली वो लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में न्यू वेव ऑफ फिल्म्स जो एस्टैब्लिश सिंस 2000 के बाद हुई हैं, उसमें कुछ फिल्म्स का जिक्र किया, वो किस तरीके से वहाँ के साहित्य या वहाँ के लोकल चीज़ों के संदर्भ में, रीजनल चीज़ों के संदर्भ में आती हैं, तो उसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक तरीके से जो रीजनल फिल्म्स हैं साहित्य के ऊपर किस तरीके से आ रही हैं, उसका एक केवल उन्होंने एक उदाहरण देकर हमें बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा सर एक प्रश्न है, हाँ, विद द थ्री खान्स नाउ द पास्ट देयर प्राइम एंड द इमर्जेंस ऑफ एक्टर लाइक, अच्छा थ्री खान्स को और सर आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, तापसी पन्नू, इनको कमर्शियल फिल्मों में पैरलर बिटवीन बाउंड्रीज के रूप में कैसे देखा जा सकता है, उसके संदर्भ में है, जिसमें वो कह रही है कि बेसिकली प्रश्न ये है कि तीन खान और आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, तापसी पन्नू एंड अदर ब्लरिंग ऑफ द बाउंड्रीज बिटवीन पैरलर सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, दोनों इन्होंने पैरलर सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा की बाउंड्री को बिल्कुल ब्लर कर दिया है सर, एक तरीके से अदृश्य कर दिया है आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या फिर तापसी पन्नू, अन्य दूसरे नए एक्टर्स आए हैं उन सभी ने मिलकर। क्या आपको लगता है सर? हाँ बिल्कुल, मैं पहले तो ये ब्लर करने का मतलब ये है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि जब तापसी पन्नू जब कोई फिल्म बनाती हैं तो वो स्क्रिप्ट का चयन करती हैं उस हिसाब से कि वो इशू बेस्ड हो। राजकुमार राव के अगर मैं कुछ फिल्मों की बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी लगी होंगी, लेकिन एक एक्टर के साथ भी एक बहुत चैलेंज होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस किस रूप में हो रही है। अगर उसे लगता है कि नहीं जो चलताऊ फिल्में हैं, अगर मैं इन्हें करता हूं, इन्हें इसके लिए मुझे बड़ा अमाउंट मिल रहा है, ये बड़े ग्रुप की फिल्म है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो आप उसे एक एक्टर के चैलेंज के रूप में भी देखिए, क्योंकि वो उसको सर्वाइव भी करना है लोगों के साथ, तो वो बहुत बार करते हैं। खान्स की जहां तक बात है, अब सबके अपने प्रोडक्शन हाउस है, राजकुमार राव का अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं है, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के सबके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, और अगर उनको बाहर का प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा तो वो खुद लगा के बना लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम पैरेलल सिनेमा को उन्होंने ब्लर ही कर दिया है, लेकिन हाँ ये दूरी कम की। समय को देखते हुए सर 4 मिनट का समय है, 6 बजे तक हमारे पास है, परंतु मैं सर सेशन को इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर को आग्रह करूंगा कि सर आए और 2 पंक्तियों में सर कुछ कहें, कुछ वक्तव्य दें। सर धन्यवाद विकास, सबसे पहले तो नमस्कार अभिनव जी, आपका बहुत आभार, आपने बहुत ही रोचक अंदाज में भूमंडलीकरण के प्रभाव को रेखांकित करते हुए भारतीय सिनेमा और खास करके हिंदी फिल्मों का एक चित्र हमारे सामने उकेरा है। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आपका और बहुत मजा आया, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था और प्रतिभागी। आप थे वहाँ पे? हाँ हाँ, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर्स को सुनूं, मैं भी सीखता हूँ इससे, बहुत मजा आया। और जो कई सवाल भी मैंने देखे, तो दरअसल अभिनव जी जो बताना चाह रहे थे कि भूमंडलीकरण ने कहीं ना कहीं जो समानांतर फिल्में बना करती थीं पहले और जो कमर्शियल फिल्म बनती थी व्यावसायिक फिल्में, तो भूमंडलीकरण ने वो समानांतर फिल्मों के की रूपरेखा को बदल दिया है। ये अलग बात है कि जो उनका सवाल था कि कुछ एक ऐसे पात्र ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेज हैं जिनका वो जिक्र कर रही थी, जिसमें
हमारा एलुमनाई राजकुमार राव भी है, जिन्होंने कमर्शियल और पैरेलल फिल्म के दायरे को तोड़ा है, वो दोनों जगह है दिखते हैं हमको। तो ये बड़ी बात है, वो इसलिए भी संभव है कि कहीं ना कहीं वो लोग कंटेंट को, जो बात अभिनव जी कह रहे थे कि कंटेंट को तवज्जो देते हैं, और कहीं ना कहीं सिनेमा में विषय क्या दिखाया जा रहा है और किस विषय की बात हो रही है इसका वो चयन ठीक से करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बात उनके जहन में जरूर रहती है, और जो आम आदमी के दिल को छूता है, उस फिल्म की बजट का बजट तो छोटा होता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल को वो छू जाता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो बहुत रोचक व्याख्यान रहा, बहुत मजा आया, बहुत सारे उदाहरण आपने दिए और आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया, आपने समय दिया। इसके लिए कॉलेज की ओर से, हम सब की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, और मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने मौका दिया। थैंक यू। ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे, और मुझे लगता है कि आज चौथा दिन हमारा बीत गया और 16 व्याख्यान सबने सुने, और बहुत रोचक ढंग से चल रहा है ये पूरा प्रोग्राम, और इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे। बाकी विकास जी, आपकी तरफ अब मैं अग्रसर करता हूँ सत्र का समापन करने के लिए। थैंक यू अभिनव जी। सर, आपके आपके धन्यवाद ज्ञापन के बाद सत्र के समापन के लिए हमारे पास कुछ है नहीं सर, क्योंकि जब आप संस्था के प्रमुख ने सर एक तरीके से बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापन कर दिया है सर, तो फिर भी सर अभिनव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे महाविद्यालय की तरफ से सर, प्रचार महोदय की तरफ से सर, और ऑर्गेनाइजिंग समिति की तरफ से सर, हम सभी आपका सर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू विकास जी, थैंक यू विकास जी, और आपकी पूरी टीम और ज्ञानतोष जी को भी नमस्कार, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर एक बढ़िया लेख तो बनता है भाई। ठीक है, थैंक यू।